तुम्हारे और मेरे पति के बीच में अब मैं खड़ी। तुम्हारी मधुर वाणी इसमें भी रिकॉर्डेड है। अगर तुम चाहती हो कि मैं ये रिकॉर्डिंग जाके युवराज पुरुषोत्तम भाई साहब और प्रभावती भाभी को ना सुनाऊं, तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी संध्या। तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर तुम चाहते क्या हो डीके? उस दो कौड़ी की लड़की के खिलाफ वो सारे सबूत उस रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो फिर तुम क्यों युवराज और वहिनी साहब को वो रिकॉर्डिंग नहीं सुना रहे हो? क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम? बाहर निकालो इस दो कौड़ी की लड़की संध्या को, ये जब तक इस घर में रहेगी ना कोई ना कोई खेल खेलती ही रहेगी। क्या हंस रहे हो तुम? नहीं 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 भाभी, ये लड़की अब कोई खेल नहीं खेल सकती, क्योंकि मैंने इसका खेल खत्म कर दिया है भाभी। अभी अभी तो मछली को पानी से बाहर निकाला है भाभी, अब तो उसे तड़पते हुए देखने का मजा लेना है। इतना तड़पाऊंगा उसे, इतना तड़पाऊंगा भाभी कि इस पूरे परिवार के सामने आके चिल्ला चिल्ला के खुद कहेगी कि मैं संध्या हूं और इस परिवार से बदला लेने आई। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। क्यों आंख से खेलना चाहते हो? मौका भी तुम्हारे हाथ में और सबूत भी। अरे दिखाओ ना सबको और कर दो छुट्टी इस लड़की की। क्या भाभी आप छुट्टी छुट्टी कर रही हैं? मैं संध्या को लंबी छुट्टी पे भेजने की प्लानिंग कर रहा हूँ, आप बस अपना फर्ज निभाते रहिए। अब क्या है ना, संध्या को कदम कदम पे झटके लगने वाले हैं। झटके लगेंगे तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो दर्द होगा, दर्द होगा तो रोएगी, और जब रोएगी तो रोने के लिए कंधा तो चाहिए ना भाभी, और वो कंधा आपका होगा भाभी। इसलिए आप संध्या का भरोसा जीतने के लिए उसके आसपास ही रहिए। भाभी कल तक हमारे परिवार की किस्मत इस लड़की के हाथों में थी, लेकिन आज आज संध्या की डोर हमारे हाथों में है। कठपुतली की तरह नचाऊंगा भाभी इसे, कठपुतली की तरह। मानिक अंकल आपसे एक बात पूछनी थी, अगर हम अपने फोन पे कोई रिकॉर्डिंग करते हैं तो उस रिकॉर्डिंग को कहाँ कहाँ संभाल कर रखा जा सकता है? हाँ, उसे मोबाइल से कंप्यूटर में ट्रांसफर करवा सकते हैं। और उसकी जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मानिक अंकल जब लास्ट टाइम मैंने आपको फोन किया था तो ठीके अंकल ने हमारी सारी बातें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली। मैंने उनका मोबाइल तो तोड़ दिया, लेकिन लेकिन शायद उन्होंने वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में सेव कर ली, पता नहीं कितनी कॉपीज बना ली। ओह माय गॉड, ये बहुत गलत हुआ संध्या। मानिक अंकल हम वो रिकॉर्डिंग किसी भी तरह से खत्म नहीं कर सकते। ये देखो संध्या, जब तक वो कंप्यूटर में सेव है तब तक वो उसकी चाहे जितनी कॉपीज बना सकता है। अगर उसे कंप्यूटर से हटा भी दिया जाए ना, तब तक वो ना जाने कितनी कॉपीज निकाल चुका होगा। मानिक अंकल मेरे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं। तुम चिंता मत करो संध्या, मैं गायत्री मैडम से बात करता हूँ, शायद वो रास्ता निकाल ले। बस तुम होशियार रहना। जी अंकल। सॉरी, वो मुझे लगा कि मेरी शैती आई है कमरे में। अच्छा, तो अब अंधे होने की एक्टिंग कर रही है। इसके साथ तो अब मुझे भी एक्टिंग करनी पड़ेगी, तभी इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर पाऊंगी। कौन है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? I'm so sorry, वो आहट से मुझे लगा कि मेरी शैती आई है। कौन है बताइए ना। तुम्हारे पास वो शक्ति है संध्या कि तुम किसी को भी उसकी आहट से पहचान जाओ, फिर अपनी शक्ति पे डाउट क्यों करते हो? ठीक पहचाना तुमने, मैं श्रेया दी ही हूँ। एक्चुअली सब नीचे तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे थे,
तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा गुस्सा मुझ पे कुछ कम हो गया हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं। क्यों, चलोगी ना मेरे साथ? या आप भी गुस्सा हो अपने श्रेयादी से? चल। श्रेयादी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कभी भी अपनी बहनों से नाराज नहीं हो सकती। आप सब पर गुस्सा दिखाना तो मेरी मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये तू सचमुच में गूंगा है क्या? कब से बोल रहा हूं खोलना रस्सी यार। अच्छा ये बता, कितने पैसे दे रहे हैं रघु दादा तुझे? मैं डबल दूंगा, मेरे लिए काम कर, मेरा मैनेजर बन जा। मैनेजर तो मैं हूं ना, तो दो मैनेजर नहीं हो सकती क्या मेरे? पैसों की कमी है क्या हमारे पास? गुरु के पास बहुत पैसा है, गुरु के साथ काम करेगा ना तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख देख मेरे जैसा। ए गूंगे, बोलना तेरी कीमत, बोलना तेरी कीमत क्या है? रघु दादा, मैं बताऊं कीमत इसकी? गूंगे को खरीदेगा? पहले मेरा सबसे वफादार आदमी है ये, मेरे एक इशारे पर अपनी जान दे सकता है। फिक्रमान की तेरी बात उसको समझ में नहीं आई, वरना जिंदा गाड़ देता तेरे को, और तू साला उसको खरीदेगा तेरी। ये नमूना कौन है रे पगिया? दादा, ये दामोदर साहब का मैनेजर है। मैनेजर है कि टेप रिकॉर्डर है? बिना बात के बजे जा रहा है साला। ए, चुप! हाथ है यहाँ थोड़ा दादा, बात करने का कोई तरीका है क्या? मैं बताऊं तरीका? घोड़े, मेरे पैसों पे तो ऐश कर रहा है, कभी जेल में तो कभी अपनी बहन की गोद में। साले तेरे चक्कर में अपना काम नाम छोड़ के मेरे को इधर ग्वालियर आना पड़ा। क्या बात करते हो रघु, बेकार में तकलीफ किया आपने, आप ही गए तो काम में करने आए थे यहाँ पे। रघु भाई, मेरी दीदी, दीदी का घर है ग्वालियर में, प्रभावती जागीरदार, बहुत रईस खानदान की है। कुछ ना कुछ करके मैं उनसे आपके पैसों का बंदोबस्त कर लूंगा। रघु दादा, कुछ कुछ दिन की मोहलत दे दो प्लीज। मोहलत नहीं, मोहलत नहीं, तेरे को मैं मुक्ति दूंगा, मुक्ति इस दुनिया से। नहीं नहीं रघु दादा, तेरा हाथ पैर किडनी आंख भेजा दिल सब काट काट के बेचूंगा और अपने पैसे वसूल करूंगा, समझा? ए पकिया, देख क्या रहा, उठा साले को। क्या मिलेगा आपको मेरे बॉडी पार्ट बेचकर? तीन खोखे नहीं मिलेंगे आपको, मेरी बात का यकीन करो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। बहुत बहुत बड़ी प्लानिंग करके आया हूं मैं रघु दादा, मेरी मेरी बहन खानदानी रईस है। हाँ ये पक्का, तूने मेरी बहन का घर देखा है ना, बताता क्यों नहीं है रघु दादा को? बोलना मेरी बहन कितनी रईस है। हाँ दा, ये तो है, इसकी बहन है बहुत मालदार, राजा लोग हैं राजा। रघु दादा, कुछ दिन की मोहलत दे दो। वो क्या है कि मेरी बहन के घर में बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है रघु दादा, हाँ, जिसका फायदा मैं उठा सकता हूँ। रघु दादा, यूं समझो कि मेरी बहन की तिजोरी का एटीएम मेरे हाथ में है पिन कोड के साथ। रघु दादा, एक महीने की मोहलत दे दो। तीन का सवा तीन खोखा आपको लाके नहीं दिया रघु दादा, तो मेरे साथ साथ मेरे मैनेजर की भी टुकड़े कर देना आप। ठीक है, एक महीने की मोहलत दे रहा हूं मैं तेरे को, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा, उसके बाद मैं नहीं सुनूंगा।
तेरी बहन सुनेगी तेरी मौत की खबर, समझा? हाँ दादा। ये बकिया छोड़ दे साले को। चल चल जल्दी कर, खोल उस गूंगे को, बोल हमारी रस्सी खोलने को। अरे बोल ना। उस गूंगे से पंगा मत ले, वरना जो रघु दादा ने मोहलत दी है ना, वो अब भी के अभी खत्म कर देगा। तो एक काम कर, यहां से फटाफट निकल। चल प्रोग्राम के प्रायोजक हैं अरे वाह क्या बात है, आज दोनों बहनें साथ साथ, लगता है सारे गिले शिकवे दूर हो गए। क्यों संध्या?